हेलो फ्रेंड्स, अचार कोई भी हो देख करके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो आज अभी इस समय जो है ठंडियों के मौसम में आंवले बहुत आते हैं, और आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो हमें ठंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा आंवला खाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज बताने वाली हूँ आंवले का इंस्टेंट अचार, जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी है, बनाने में बेहद आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा निशाज वंडर वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 किलो आंवला, और अचार बनाने के पहले हम इसे हल्का सा बॉईल करेंगे, इतना कि बस वो हल्का ऊपर से क्रैक आ जाए उतना ही बॉईल करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसे निकाल करके पानी को छान करके और आंवले को तोड़ करके अलग कर लेंगे। तोड़ के अलग करने के बाद हम इसे हल्की धूप दिखाएंगे, हल्की धूप इसलिए दिखाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो मर जाए, मतलब सूख जाए। ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा सुखाना है, बस पानी सूखने भर। तो यहाँ पर मैंने छत पे ला करके रख दिया है, और ये देखिए मेरा आंवला सूख गया है। अब हमें मसाले तैयार करने हैं, तो मसाले के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम अदरक, 200 ग्राम हरी मिर्ची, 200 ग्राम लहसुन लिया है, छील करके मैंने अलग कर लिया है। मिर्ची के पीछे की डांटी को तोड़ करके पानी में धो लेना है, अदरक को भी छील करके पानी में धो करके, और दोनों को पानी सूखने तक धूप में सुखा लेना है। उसके बाद मैंने चॉपर की मदद से इसे चॉप कर लिया है ताकि ये बराबर टुकड़ों में अच्छे से कट जाए। आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, अचार बहुत अच्छा बनता है इससे। और नहीं हो तो मिक्सर में दरदरा होने तक ग्राइंड कर लीजिए, अगर मिक्सर भी ना हो तो आप चाकू की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो यहाँ पर मैं चॉप कर ली हूँ सभी चीज़ों को एक साथ, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा ये बराबर टुकड़ों में कट जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन को चॉप कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो पानी की मात्रा होगी वो सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, इतना कि मतलब अच्छे से भून जाए। तेल अच्छे से गरम होने देंगे, गरम होने के बाद हम एक एक करके तीनों चीज़ों को भून लेंगे। भूनने के दौरान हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस उतना ही भूनना है। तो ये देखिए, ये तीनों मैंने एक एक करके भून लिया है, और ये मैं नहीं भून रही हूँ, ये मेरी मम्मी बना रही है। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी ने तीनों एक एक करके भून लिया है। इस तरह से बनाने से फ्रेंड्स अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत लाजवाब इसका टेस्ट होता है, और ये ख़राब भी नहीं होता, चाहे आप इसे साल भर रखें या 1.5 साल। हल्का सा क्या होता है इसमें कि कलर डार्क हो जाता है, यानी कि ब्लैकिश जैसा हो जाता है ज़्यादा दिन पे रखने से, लेकिन ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसे रखेंगे नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब ये अचार भून चुका है, अब हम इसमें और भी सारे मसाले मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी ने सूट करने के पहले ही डाल दिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें मम्मी ने क्या क्या डाला था। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए, उसके बाद इसमें हल्दी डालिए, एक बड़ा चम्मच भर के हल्दी मम्मी ने डाला था। उसके बाद कलौंजी और अजवाइन, यानी कि हम लोग मंगरेला अजवाइन बोलते हैं, तो ये एक चम्मच मंगरेला है और एक ही चम्मच अजवाइन है, एक चम्मच हल्दी है, नमक स्वाद अनुसार है, बाकी मसाले अदरक लहसुन और मिर्ची पहले ही हम लोगों ने डाल दिया है। कुछ भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस इतने में ही अचार बन जाता है। अगर आपको तेल कम लगे अचार में तो थोड़ा सा तेल गर्म करके आप बाद में इसे डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। और ये तैयार हो गया हमारा अचार, बस अब खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका अचार कैसा बना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।